ये जो तूने तोड़ा था ना चाहे आगे से छेड़ियो मत उसको। ज्यादा से ज्यादा एक महीना उसके बाद बता देंगे। यही बात ज्यादा से ज्यादा एक महीना कमेंट लिए बोल रहे ना। ओए एक मिनट मिनट मेरे को बताओ कौन सा विकास वाला। अरे ये बार बार सुबह सुबह ये गई हुई थी डॉक्टर के, तो मैंने ये इसका पार्सल अटेंड किया, आके मैंने रखा ही हुआ था। तो सबसे पहले बीमार हो चाहे कुछ हो, ये क्या मंगाया था वैसे? अच्छा लिप शेड, क्या है ये? वही है ना बाम लिप शेड। ये क्या है? मॉइस्चराइजर स्क्रब। डब्बे डब्बे में ये चार बिलांत के या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 165 ये 165 का है। इतना सा लीन रहे मान सा 595 की टाट। क्या है ये 695 इन टोटल क्या हो गया भाई? 1600 रुपए का ये इतना सा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बढ़िया भाई। सुबह सुबह तो नहीं है फिलहाल, और ये शाम के बज रहे हैं 3:30 और अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ना आज मानी की बिल्कुल भी हालत नहीं थी, 3 दिन से इतनी गंदी तबीयत खराब हो रखी है। 3 दिन पहले दांत के डॉक्टर के पास चला गया, आया थोड़ा सा हरारत हुई, रात को थोड़ा बुखार चढ़ा, सुबह फिर ठीक हो गया। अगले दिन सब काम किया, फिर शाम को थोड़ा सा बुखार चढ़ गया, फिर मैं अगले दिन थोड़ा सा ठीक बेटर मतलब थोड़ा बेटर फील कर रहा था। कल तो रात को जैसे ही मैं आया हूँ पहुँचते ही भाई रात को अप्रोक्स 3 बजे के आसपास आया हूँ, एंड इतनी गंदी खांसी हुई है ना मतलब आधे घंटे पता नहीं क्यों। और फिर वो मतलब उसके बाद धीरे 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 ठीक होती गई, अब जाके मतलब थोड़ी सी मतलब नॉर्मल हुई है। स्टीम ली थी, जो दवाई थी वो ली, तब जाके थोड़ी ठीक हुई है। मानी का थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी, मानी को भेजा हुआ था मैंने डॉक्टर के पास, मम्मी और विशाल ले गए थे। अच्छा अब जाके थोड़ा घर से निकला हूँ, मतलब आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, आज मैं व्लॉग कुछ नहीं करूँगा, बट पता नहीं कहाँ से पावर आई, भगवान ने बोला यूँ करे जा जल्दी से जा जल्दी कुछ शूट कर, अपना दिन हैपनिंग बना, घर पे बैठ वेस्ट मत कर। ओके बेब थोड़ी सी तेज बोल यार। यस बेब सही है अब नहीं है पर वहाँ हो क्यों रहा है? दिमाग तो है नहीं वहाँ, खाली दिमाग शैतान का घर, वो शैतान है उसमें अभी अंदर। ये चाहिए तो डिम लाइट चाहिए तो। भाई वापस अंदर आ गया था क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज ही फुल हो गई, पहले मिलवाई नहीं मैंने आज बेबी को। भाई बैठ चल अंदर बैठ सिट। यार आना तो मेरे को यहाँ पे स्विफ्ट में चाहिए था, लेकिन मैं आ गया हूँ थार में, जो कि मैंने मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। क्योंकि सदर बाज़ार के अंदर इस टाइम में मतलब 4:30 के आसपास सदर बाजार में इस गाड़ी को ले जाना इज लाइक वेरी डेंजरस। कोई भी कहीं से मार देता यार, देखियो इतनी भीड़ यही है अभी तो अंदर गली में घुसी नहीं है। अभी बस वाले ने रोक दीजिए ना, इस वाले बस वाले ने देख तो लेना चाहिए। अरे भैया देखो ये देखो, यही बात कर रहा था मैं, कोई भी कहीं से भी निकल जाता है। इतने कट दे रखे है ना, जितने सरकार ने नहीं दिए उतने तो यहाँ बना रखे है। ऑन रोड चलते भाई, सही बता रहा हूँ मैं, ऑन रोड चल रहा हूँ, बट कोई भी कहीं से भी आ जाता, छोटा सा गैप बना उसमें से बाइक निकली है। ब्रो ये सदर बाजार है, नोएडा की 18 की मार्केट से खतरनाक है, समझ में आई? सदर बाजार इस गली में घुस गए ना तुम पता नहीं कहाँ निकलोगे। योगेश ने जा रहा चश्मा लिया था, वो मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ी भी जा सकती है, मतलब रोड है, खड़ी करने की जगह नहीं है वहाँ भी, बट इतना रोड है कि उसके आगे से गाड़ी जा सकती है। यहाँ से मैंने अपना कार्ड बनवाए थे शादी के कार्ड, मैं तभी तो मैं एक पल को सोच रहा हूँ मैं यार नहीं यार स्विफ्ट लेके आनी चाहिए थी यहाँ पे, बट कोई बात नहीं एक मिनट भैया थोड़ा सा साइड ही जा रहा है। यहाँ का सबसे खुला रोड है भाई। फाइनली अपना चश्मा भाई जो है मिल चुका है भाई, सही हो गया। इनने तो अंकल बताया था कि ये सही नहीं होता, बट किसी तरीके से चलो जो भी है वो तो गया। अभी फिलहाल मैं एक चश्मा और देख रहा हूँ है तो देख लेते हैं, वो उसी टाइप का भाई, उसी टाइप का दिखाना जो है ना। आज यहीं लगानी पड़ेगी भाई, गाड़ी की जगह ही नहीं है।
देख रहे हो वापिस आ चुका है रेबन। रेबन मैं बैठ गया था, ये वही है जिसपे मैं बैठ गया था। पता मेरे चाहते है ना, अंकल ने पूछी थी कि भाई मतलब इनको पता ही होता है यार, ऑब्वियसली जैसे जो जिस चीज में एक्सपर्ट होता है उनको पता होता है कि भाई किस तरीके से किस चीज से टूटा है। जैसे हमारी गाड़ी वाड़ी टूट जाती है तो इंश्योरेंस वालों को भी पता होता है ना, तो ये वही वाली चीज। मैंने बोला कि अंकल ये टूट गया हाथ में, ये तो इस पर तो बैठा है भाई कोई। मैं मना कर रहा था पीछे से, मैं कहा नहीं बैठा इस पे। मैं हाँ मैं ही बैठा हूँ, मेरे को थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, गाड़ी वाड़ी टूट गई थी। ये बताओ इस बैट से कौन खेलता है, ये किस खली का बैट है, इस बैट से कौन खेलता भाई? ये स्टंप बनाने के काम भी आ जाता होगा ना, स्टंप बनाने के काम भी आ जाता होगा। 6 फुट का बैट है यार ये, देखो अनमानी देख के बोलेगी कह रही देख आज पीने चला गया, गन्ने का जूस पीने आ गया आज। इतने दिन से मैं कह रही थी जब नहीं गया, बहुत भूख लगी यार एकदम से, खाया क्या है मैंने, पराठे पराठे ही तो खाए थे ना। ये जो तूने तोड़ा था ना चे, आगे से छेड़ियो मत उसको। किसने लिखा था? तू था, सबको पता है व्लॉग में। हाँ। वो तो व्लॉग में मैंने दिखाया है मम्मा, तोड़ा इसने था। अगर मेरे से टूट जाता ना तो तू जीना हराम कर देता मेरा। वो तो इससे भी टूट जाता तो इसका भी जीना हराम करता मैं। हंदी लग रही है, लगाइए मत। मुझे भी लग रहा था बहुत गंदा हो जाएगा कैमरा से। यार ये मत करा करा, तू दूसरे का घर क्यों खराब कर रहा है? देख दिया पूरे दिन कैमरे दिया। एक बार अब करता हूँ, एक बार दिखाइयो सीधा सीधा लड़ा हुआ। अब करके देख लेते भाई, कैमरा ऑन होते ही इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है। यो ओए एक मिनट मेरे को बताओ कौन सा विकास वाला करिए बार बार। अरे यार ये तो डाल देगा, करना करना कर कर। अरे यार ये गंदी चीज है, अरे करना मैं नहीं डालूंगा। करो ये बार फिर, अब करे एक बार जरा, एक बार अपना मुंह देख एक बार। सर्दियां जाने वाली है, कह रहा है सर्दियों से पहले पहले शरीर खींच लेना, बड़ी बॉडी बना लेंगे। हां उसके बाद कैसे बैठेंगे? उसके पास पैर है हां चैन कितने कैसी, अरे चैन देखू मैं, अरे चैन मैन यार भाई देखो गले में चैन और कान में कुंडल, क्योंकि ब्याह होने के बाद तो कुछ दिन तक खिंचाई होती है। तो अब होली है ना भाई, ढाई महीने होली है, पुराना होली है अब इसका। और क्या, चलो बढ़िया बन दोगे ब्याह के नाम के। ये मतलब समझ गए, मानसी भाभी देख रही है ब्याह, व्यूज के चक्कर में ब्याह कराना है। इसका मतलब जो हमारा कोई रिसेंटली हमारा भाई यूट्यूबर व्लॉगर है जो अभी वैसे व्लॉग डाल रहा है, तो मतलब वो ब्याह की वजह से डाल रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम, जो समझ रहे हो कमेंट में बोल रहे ना। मुकदमे मेरे पे। और भाई सुन लो मेरी बात यार, की जुबान आज भी इतनी चला, कल भी उतनी चला गई, ये बात याद रख लियो। फोटो खींचनी है ले ले भाई, फोटो ले ले। अरे तेरे लिए और क्या यार भाई, तू मेरे स्टार यार, तू देख के तो मेरे को मोटिवेशन आई थी कि हाँ हन्नी शर्मा यो सच में कही भी इसने ना, यो तो है यो बात सच्चा, जो बात सच कह रही है कि यार ने बंदे ने मेरे से बोला तो भाई तू घूमता है तू चैनल स्टार्ट कर, मगर अच्छा कह रहा हाँ करे से पैसे भी आते हैं, कितने आते हैं कह रहा पैसे इतने आते हैं, मगर तो कुछ भी होगा कह रहा, कुछ तो होगा मगर हाँ हुआ लास्ट में फिर लल्ला हुआ लल्ला। चलते थी फोटो खींचो लल्ले, इतनी पढ़ाई करती फोटो खींचो, जानबूझ के थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है कह रहा फोटो बढ़िया खींच दियो।
अरे बस कर बे। हाँ तो भाई तभी तो महंगी महंगी कॉफी आती है यहाँ पे। अच्छा है, अच्छा है, ये काम अच्छा है। इन फ्यूचर अगर कभी डबिंग वबिंग के लिए बुलाए ना। सही हो जाए यार, हमारा शरीर थोड़ा काम करना, मेरे को लग रहा है जिम जाना पड़ेगा, जिम से ही सही होगा। आज की मोटिवेशन मिली भाई यहाँ बैठ के ना, कई मतलब एक तो भाई फिटनेस वाला हमें मिल गए यहाँ, अब फिटनेस वाले के साथ में थोड़ा सा ना अपने आप को देख के ऐसा लग रहा है, मैं यार अन्नी क्या हो रखा है तेरा आज, ये देखो वाह बेड़ा है क्या भैया। और निखिल विकास भाई की तरह मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ भाई। फिलहाल बज गए, अरे 12 बज गए, 12 का तो पता ही नहीं चला भाई। यहाँ आया हूँ, ये देखो बेड पे पता भी नहीं चल रहा, कुछ लेटा हुआ है, इतनी पतली हो गई कि मानी मेरी। अरे हूँ क्या, जल रही है माना, लोग कहेंगे बहू ने छोड़ के बीमार में बाहर घूम रहा है। हूँ क्या होता है, पूरे दिन से आती थी अभी तो गए थे। क्या क्या बोला, पूरे दिन से आती तो थे अभी तो गए थे। पूरे दिन से व्लॉग भी नहीं किया ना, लोगों को ये थोड़ी ना पता है। बुखार कैडा, ऐसा लग रहा है जैसे वो रात को होते ही इसको बुखार होना स्टार्ट हो जाता है भाई। रात को मम्मी पापा कॉल करेंगे मिलने आए बेचारी से, क्या हो गया, ले ही जाते, ले ही जाते वो। लेने आए थे, चल जाती मेरी, मैं फिर बाहर घूमता, मेरे को हो रहा था बुखार और मेरे थ्रू इसको हो गया, घंटे में दवाई दूंगा। उन्होंने भी डोलो लिख के दिए जो डॉक्टर को दिखाया था आज, फिर मैफ्टोल लिखी है। खतरनाक लग रहे हो, डरा क्यों रहे हो, मेरे को ये बताओ, कह रहे ले जा नहीं तो तुझे मैं बताऊंगा, कह रहा लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा है, बोले। मैं पहले आऊँगा।